नमस्कार सभी को। और फिर से एक बार ये वीडियो यूजीपे की हेड ऑफिस ओखला से है और आपके सामने बैठा हुआ है सर, हमारा सर मिस्टर श्याम सवरेज। आज एक और चीज़ों के बारे में आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन उन्हीं की जुबान से सुनवाना चाहता हूँ, और वो है माइक्रो एटीएम के ऊपर रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का क्या ऑफर है। तो सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आप कैसे हैं जी। बहुत बढ़िया, आपके सभी दर्शक को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी दर्शक की तरफ से। तो सर, ये नए साल में आप माइक्रो टीम के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पहले इनके बारे में क्लियर कीजिए, इनके लिए क्या ऑफर रखे हैं, और इसके बाद जो हमारे रिटेलर है, जो हमारे कंपनी के बैकबोन होते हैं, उनके लिए आपने क्या ऑफर रखे हैं, थोड़ा इसको क्लियरिफाई कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे होते हैं, जो कंपनी के अभिन्न अंग होते हैं, सबसे पहले आपको एक परमानेंट कमाई का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके लिए इजी पे ने कुछ ऑफर लाया है, ताकि आपके रिटेलर लगातार ट्रांजिशन करें और आपको एक इनकम कंटिन्यूस आते रहे। इसके लिए हमने 2023 का जो एक प्लानिंग किया है, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है, कि मैक्रो एटीएम पे फोकस हम ज़्यादा करेंगे, नंबर ऑफ आउटलेट मैक्रो एटीएम का बढ़ाएंगे, जो आपके रिटेलर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो एटीएम दें, और इसका बेनिफिट हम सबसे पहले बताएं। तो सबसे पहले पहला प्रॉफिट आप कमाएंगे, 1899 रुपया माइक्रो एटीएम का रेट है रिटेलर्स के लिए, और आप 10 पीस माइक्रो एटीएम अपने रेट पे, जो आपका होलसेल रेट है, जो हमारी टीम बताएगी, उस रेट पे आप परचेज करते हैं, तो 2 पीस आपको साउंड बॉक्स जो है इजी पे का, वो बिल्कुल फ्री है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्राइस पे लेगा तो भी इसको फ्री मिलेगा। हाँ, और एमडी अपने प्राइस पे लेगा उसको भी 2 पीस फ्री मिलेगा। अच्छा, मतलब सभी नेटवर्क के लिए 2 पीस स्पीकर जो है वो बिल्कुल फ्री रखा गया है। 10 पीस बिलिंग पे 2 पीस। 2 पीस, ओके फाइन। तो ये बिलिंग करेगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन, तकरीबन 1000 रुपये का 2 पीस हुआ। हाँ। इसका मतलब जिस रेट में भी आप जो परचेज किए उस पे 100 रुपये आपको लागत कम पड़ा। ओके, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर जरूर इसको बिलिंग करेगा, तो आगे इसको बेचना भी है जी। तो इसके लिए अब रिटेलर को ऑफर बहुत जरूरी है। एकदम, रिटेलर के लिए ऑफर बहुत शानदार हमने बनाया है जी। और वो ऐसा है कि यदि रिटेलर को आप माइक्रो एटीएम गए, उनको आप 1899 रुपये में दे दिए, उनको 1000 रुपये का कैशबैक हम देने जा रहे हैं। ओके। पर मंथ 200 रुपये करके आने वाले 5 महीने तक 1000 रुपये आपको उनको जो इजी पे का जो वॉलेट है उसमें वापस आ जाएगा। ओके। यदि आप रिटेलर हमारा 75 ट्रांजेक्शन एक महीने में करता है तो ऑटोमेटिक 200 रुपया उसको क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा कुछ लिमिट है कि इतना यार रुपए वाला अमाउंट ट्रांजेक्शन 500 से ऊपर, 500 से लेकर 10000 में कोई भी ट्रांजेक्शन और महीने में 75 ट्रांजेक्शन अगर पूरे जनवरी महीने में किसी रिटेलर ने कर दिया। हाँ। तो इनको 200 रुपए वापस हो जाएगा। और ये फरवरी में किया तो फिर 200 वापस, मार्च में किया दो, मतलब 5 महीने तक ऐसे आपको जनवरी फरवरी जो कमीशन मिल रहा है उसके एक्स्ट्रा। अच्छा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 5 महीने तक 200 रुपए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जो भी महीने में आप परचेस करें, मार्च तक में आप परचेस करते हैं। अच्छा। तो उससे 5 महीने तक रिटेलर कोई आपसे जनवरी की 1 तारीख को लिया तो उससे 5 महीना, कोई जनवरी के 15 तारीख को लिया तो उससे 5 महीना, कोई मार्च के 31 तारीख को लिया तो उससे 5 महीना। ओके, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिटेल नेटवर्क के लिए ये ऑफर है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट रिटेलर को हो गया, जो ट्रांजिशन कमीशन आ रहा है उसके अलावा ये कमीशन हो गया, एक तरीके से कह लें जी। उनकी डिवाइस की लागत लगभग 80% वापस हो जा रही है जी। और डिस्ट्रीब्यूटर को जो फायदा ये है कि उनका ट्रांजिशन बढ़ा तो उनको रिकरिंग जो प्रॉफिट है कमीशन वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ी ऑफर है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड रिटेल नेटवर्क के लिए। अगर कोई सोच रहे इस समय एक माइक्रो टीम आप लेंगे और आप एक अच्छे प्राइस में लेना चाहते हैं, तो आप सस्ते में एक माइक्रो टीम ले सकते हैं, पर जो ऑफर यहाँ पे बताया गया है, पहले आपको तो प्राइस में ही लेना है, और जैसे जैसे आप अगले 5 महीने तक काम करते जाएंगे, हर महीना 200 रुपये करके आपको 1000 तक रिटर्न मिल जाएगा। मान लीजिए किसी का माइक्रो टीम का कॉस्टिंग आया 1900 रुपया, तो आखिर तक उनका प्राइस हो जाएगा 900 रुपया। ओके, सो ये अपडेट हमें चाहिए था। मैं आशा करता हूँ कि सर की जुबान से आप लोगों ने सुना है नए साल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड रिटेल के लिए क्या ऑफर है, और आप नए रिटेलर जो बन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले जो भी रिटेलर्स आप बना रहे हैं, आपसे अनुरोध है आप उस रिटेलर की KYC पूरी करें। KYC मतलब ये नहीं होता है कि आधार का कागज आ गया, पैन कार्ड आ गया और आपने KYC कर लिया। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर।
आप अपने कस्टमर को जानें, आप उनके दुकान पे जाएं, वन टाइम आप उनके दुकान पे जाके विजिट जरूर करें, उसके बाद रिटेलर बनाएं, ये हमारा आपसे आग्रह है। और क्योंकि बहुत जल्द ऐसा ही कंडीशन हो जाएगा कि आपको रिटेलर क्रिएट करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ आप 1 तारीख से ही आदत लगाएं कि आप जा करके रिटेलर बनाएं। ओके, आपके मूल्यवान सुझाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें समय देने के लिए भी धन्यवाद।